हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश डॉट कॉम। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो सही जवाब है संतूर वादक वो थे। तो आपको बता दें कि देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का 10 मई 2022 को निधन हुआ। वो 84 साल की उम्र के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने के वजह से हुई है। और पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा जी भी जो है जाने माने गायक थे। संगीत उनके खून में ही था। संतूर जम्मू कश्मीर में प्रचलित वाद्य यंत्र था जिसे शिव कुमार शर्मा ने विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया था। उनके निधन से शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक युग समाप्त हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना, यानी कि ये जो दूसरा वर्जन है इस योजना का, दूसरा चरण है, उसका शुभारंभ किया? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें कि 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 के जो है उसका शुभारंभ किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो एक लड़की को जन्म से लेकर के उसकी शादी तक किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? तो सही जवाब है 11 मई। तो आपको बता दें कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 मनाया गया और यह हर साल मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है। इसे विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को यह दर्शाता है और इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों एवं महत्व को भी याद करता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी से संबद्ध संस्थानों में भारत की प्रौद्योगिकीय क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से जो है वो पीड़ित हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है वो सेरेब्रल एन्यूरिज्म से जो है पीड़ित हैं। ये तरह की बीमारी है और उन्हें पिछले साल इस कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। सेरेब्रल एन्यूरिज्म दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी दिमाग के किसी भी भाग में हो सकती है। आपको बता दें कि किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 वर्ष या फिर उससे ज्यादा की उम्र में व्यक्तियों को ये बीमारी ज्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बीमारी उन व्यक्तियों में ज्यादा पाई जाती है जिनको उच्च रक्तचाप, अनुवंशिकीय रूप से नसों का कमजोर होना, संक्रमण, चोट, साथ ही साथ मस्तिष्क की क्षति का या फिर ट्यूमर का जो समस्या होती है। अगला सवाल, सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 33। तो आपको बता दें कि 2024 और 25 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्गो क्षेत्र में सुधारों के बारे में सिंधिया ने कहा कि उद्योगपतियों को 1 करोड़ मेट्रिक टन कार्गो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए Tier 2 और Tier 3 शहरों में महानगरों तक छोटे कार्गो भार के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य छोटे आकार के विमानों की खरीद से हासिल किया जा सकता है। अगला सवाल, केंद्र सरकार के अनुसार साल 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 50%। तो आपको बता दें कि वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है, सड़क दुर्घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। अब वो सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना था कि किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं जो उन्होंने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो सही जवाब है श्रीलंका। जैसा कि आप देख जानते ही हैं कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका, और इसी के बीच में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। महिंद्रा राजपक्षे ने राजधानी कोलंबो में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच ये निर्णय लिया था
और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और ये काफी हिंसक हो गए थे। ब्रिटेन से साल 1948 में आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें कि संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पैदा हुआ है और इसका अर्थ यह है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो सवाल ये है आपके लिए कि 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है। आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, रिलायंस, और आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।